All right, hello traders and welcome back to Upmarket Academy's YouTube channel. आज का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है. मैं आप लोगों के लिए इंट्राडे के लिए तीन स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का इतना ज्यादा डिटेल एनालिसिस आई एम 100% श्योर YouTube पे आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा. बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद पता चल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की. ये तीनों स्टॉक्स हम लोग एकदम एंड में देखेंगे, बट अभी इंडेक्स में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी. सबसे पहले मैं आपको लेकर आ रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पर. अब एक बार के लिए आप यहां डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी में क्लियरली विजिबल है दैट द मार्केट इज फॉलोइंग अ चैनल पैटर्न. राइट, दिस वॉज दी यू नो पोल एंड दिस इज योर फ्लैग. तो एक तरीके का फ्लैग एंड पोल, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहां पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है. सेकेंड पार्ट, लेट्स कम टू दी वन आवर टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं. वन आवर टाइम फ्रेम पे हम नोटिस करते हैं ये जो एक स्विंग है, बड़े टाइम फ्रेम पर तो ये मूवमेंट हमको एज अ स्विंग दिख रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम पर ये अपने आप में एक ट्रेंड है. राइट, तो हम अभी ये देखते हैं कि मार्केट एज ऑफ नाउ लोअर ट्रेंड लाइन पर आकर खड़ा है, लोअर ट्रेंड लाइन पर आकर खड़ा है. यहां से मार्केट को कायदे से ऊपर जाना चाहिए, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे आना चाहिए. अब इस पे हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं. ये मैंने आपको अभी बेसिक ट्रेंड बता दिया मार्केट का क्या है, ओवरऑल अप ट्रेंड में है ऑन बिगर टाइम फ्रेम लाइक अ वीकली टाइम फ्रेम. यहां पर ऑन डेली टाइम फ्रेम भी एक अप ट्रेंड में, चैनल में है, और वन आवर टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड में है. बट यहां पे गेम कहां पे आ रहा है सर, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, यहां आपको समझना पड़ेगा. मैं आपको लेकर आ रहा हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर. अगर मैं ये सारे के सारे लेवल्स एक बार के लिए हटा देता हूं, इवन दिस एंड इसको छोड़ देते हैं, अब यहां पे मैं देखता हूं तो मुझे क्या पता लगता है यार, मार्केट ने बजट वाले दिन एज अ डोजी मार्केट बंद हुआ. प्रॉपर डोजी नहीं, आप बोल सकते हो उसको एज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट बंद हुआ, बहुत बहुत एकदम एग्जैक्टली क्लोजिंग ओपनिंग के पास में ही बंद हुआ. अगले दिन मार्केट ने रैली करा, इस दिन मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट भी करा, वेरी गुड डे. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट ने बनाई स्मॉल कैंडल्स मार्केट ने बनाई एट अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट. नाउ दोज ऑफ यू हु डोंट नो, 39,380 इज अ वेरी मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट. आपको पता नहीं अगर तो मैं आपको बताऊंगा ये किनको पता हो सकता है, किनको नहीं हो सकता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. यहां पर अगर आप देखोगे जब मार्केट अप ट्रेंड में था तो ये लेवल जो था 39,380 का, ये जो पूरा जोन है यू कैन सी ओवर हियर, ये पूरा 39,400 से लेकर 39,380 का जो जोन है, इट इज हाईली एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. बहुत वॉल्यूम यहाँ पे आती है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे होती है. वापस आते हैं अपनी जगह पे. तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, पहले दिन नहीं कर पाया, दूसरे दिन साइडवेज, एंड देन वेयर डिड इट ओपन, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक बार ब्रेकआउट करा इसने ये दिन पे, यहां पे ये ब्रेकआउट आया एंड मार्केट ने फिर से एक शूटिंग स्टार बनाया. फॉर्मेशन क्या हुई, 1 आवर टाइम फ्रेम पर डबल टॉप पैटर्न मार्केट में बना. ये पूरी हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग की उसको मैं यू नो रीच करना चाहता हूं. आई डोंट वांट टू जस्ट गिव यू लेवल्स टू ट्रेड, लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट. अब यहां पे डबल टॉप पैटर्न बना विद दिस बीइंग द नेकलाइन. अब यहां से मैंने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करा है जस्ट टू शेयर नॉलेज, मैंने वहां पे बताया था मार्केट ये लेवल्स तक अगर रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है वापस यहां से सेल करोगे एंड देन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला. वही हुआ, मार्केट यहाँ पे आया. एनीवेज वो तो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ये नेकलाइन बनी मार्केट की एंड मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड चालू करा विथ लोअर हाइज एंड लोअर लोस. अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतना कुछ बताया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है मेरे दोस्त, ये समझना कि मार्केट जब लोअर ट्रेंड लाइन को टच करता है एक अप ट्रेंड के अंदर तो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे. तो यहां पे जब ये ट्रेंड लाइन को टच किया ना तो बैंक निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए था,
जो इसने नहीं करा उल्टा इसने एक लोअर हाई बना दिया इस लेवल पर। नाउ ये फाइनल लोअर हाई तब बनेगा जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा, बट एज वी कैन सी यहां पर एक लोअर हाई फॉर श्योर मार्केट ने बना दिया। ये साइन है एक पॉसिबल ब्रेकडाउन का, एक पॉसिबल ब्रेकडाउन का ये साइन है पूरा पूरा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आप लोगों को एक लेवल ये मार्क कर लेना है अपने चार्ट के ऊपर, दिस लेवल। ये थोड़ा सा मैं इसको पीछे तक ले जाना तो चाहता हूं, बट आपको दिखाई देता हूं एक बार इसको थोड़ा पीछे ले जाकर। तो ये काफी ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डबल टॉप पैटर्न की अभी जो मार्केट में पुल बैक आया था, एक जो न्यू ईयर के बाद से चालू हुआ था वो बड़ा अप ट्रेंड, वो जो डबल टॉप बना था उसके टॉप्स हैं ये दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट पॉइंट है जो अब रेजिस्टेंस बन गया है। ऑफकोर्स अगर यहां पर से मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है देन दैट इज अ गुड सिग्नल। मतलब ये ट्रेंड लाइन से जो हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिल गया और मार्केट फट के ऊपर जा सकता है एंड मे बी ये हाईस को ब्रेक भी कर दे। तो आप लोगों को इस लेवल के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकती है, ठीक है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आपको मिल सकती है अबव 38,900 एंड 39,000। ये जो दो लेवल्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर इंट्राडे। तो यहां पर अगर मैं टारगेट सेट करता हूं, फॉर मी पर्सनली मैं टारगेट लगाऊंगा सबसे पहले 39,000 का एंड उसके बाद में मैं सेकंड टारगेट अपना लगाऊंगा 39,000 85 90 का, 39,100 के आसपास का आप मान के चल सकते हो। अब इसके बाद में बुलिश डायरेक्शन में और ज्यादा बड़ा मोमेंटम आएगा, मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है गाइस, 39,250 तक इसको मैं ले जाना चाहता हूं, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट ये लेवल्स तक नहीं आएगा। तो अगर आप लोग मान लो यहां पर बाय करते हो, ये लेवल तक राइड करो, यहां से एक भी बार रिवर्सल का साइन मिल गया, दो रिजेक्शन कैंडल या एक बियरिश एंगल्फिंग, एग्जिट कर देना, मार्केट पलट सकता है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एक अप ट्रेंड के लिए। अगर अप ट्रेंड में जाना है मार्केट को तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आना पड़ेगा। ये हो गया एक पॉइंट अपसाइड का। अब बात आती है डाउनसाइड की। नाउ पहली बात, ये तो हमारी रेंज है, इसके बीच में तो हमको ट्रेड करना नहीं है, इसके ऊपर या इसके नीचे हमको ट्रेड करना है। इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो और अच्छी बात है, तो फॉर श्योर मार्केट ये लेवल्स को टच कर सकता है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चांस तो पूरा है। यहां से आपका पहला टारगेट भले ही थोड़ा छोटा है 120-130 पॉइंट्स का, बट इस लेवल पर जो सपोर्ट है ना उसको मैं नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने आपका पहला टारगेट काफी मैंने खुद के लिए छोटा रखा है। इसके नीचे आता है मार्केट तो ये मेरा होगा सेकेंड टारगेट, अनदर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स होगा ये, और फिर मेरा फाइनल टारगेट जो होगा, This is going to be my final target for intraday. यहां तक मैं 300 पॉइंट बुक कर चुका हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, 390 पॉइंट बुक कर चुका हूँ, ये मेरा फाइनल टारगेट होगा। अगर मैं पोजिशनल लूंगा तो पोजिशनल के अंदर दिस इज गोइंग टू बी माई टारगेट, जब मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक कर देगा, टारगेट वन एंड देन दीज लेवल्स आर गोइंग टू बी माई सेकेंड टारगेट। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हम लोगों ने टारगेट्स को मार्क करा है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आपको एक सेकेंड ऑप्शन भी मैं अभी देता हूं। सो ऑल ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट द न्यू व्हाट्सएप ग्रुप दैट आई हैव क्रिएटेड, आई विल जस्ट शो यू इन अ मिनट। यू कैन सी ओवर हियर ऑन ऑलमोस्ट 25th ऑफ जनवरी आई स्टार्टेड दिस न्यू व्हाट्सएप ग्रुप विद द नेम ऑफ अपमार्केट एकेडमी मेंबर्स। ओवर हियर वी हैव मोर देन 152 मेंबर्स एज ऑफ नाउ एंड द ग्रुप इज डूइंग वेरी 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 गुड। If I show you that what I'm doing in this group, I've been continuously sharing my analysis. I've been sharing voice notes at 12 AM. I've been sharing. अभी आगे देखोगे तो सुबह 4 बजे भी मेरे को अगर कुछ important मिलता है मैं share करता हूँ। बहुत important analysis, levels, cutoff levels मैं आपको देता हूँ। Live market के अंदर भी आपको कैसे काम करना है and a lot of things I've been sharing in this group. OI buildup से लेकर सब कुछ मैं इस group के अंदर मेरी knowledge, मेरी personal trading में इस ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ लेवल्स के साथ में और सिर्फ लॉजिक के साथ में। सो नाउ एक दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जो मैंने अपना एनालिसिस किया उसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। सो एनीवेज दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो दो चीजें क्या है। पहली, ये कोई टिप या कॉल का ग्रुप नहीं है, ये 39,000 टारगेट हिट क्योंकि मेरा वो टारगेट था। अब
सेकंड चीज, ये टिप कॉल का ग्रुप नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो भी हम लोग करते हैं, वॉट एवर वी आर लर्निंग, ये सारे लेवल्स के पीछे का लॉजिक मैंने आपके साथ में शेयर करा है। ये हमारा लोगो है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा लॉजिक मैंने यहाँ पर शेयर करा है कि क्यों मार्केट में इन लेवल्स के ऊपर बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, बाय ऑन डिप का मार्केट कैसे फॉर्मिंग, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, एवरी लॉजिक आई हैव बीन शेयरिंग। क्यों कोई निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, पीडीएफ फॉर्म में एनालिसिस को मैं शेयर कर रहा हूँ, वॉइस नोट भेज रहा हूँ लॉजिक के साथ साथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैसे किस लेवल के ऊपर अनवाइंडिंग आ सकती है या फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इन्वेस्टर्स का। तो ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनके कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो अगर आपको सीखना है मेरे साथ में, यू वॉन्ट टू वॉच माई एनालिसिस, देन ज्वाइन दिस ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से मिल जाएगा। ज्वाइन दिस ग्रुप ओनली एंड ओनली टू लर्न हाउ टू एनालाइज, हाउ टू find the best trades and how to control your emotions. All this if you want to learn, click the link in the description and join this group. Now coming back to our topic, let's start with the analysis. So, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा मैंने WhatsApp group के बारे में बताया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मैं हर दिन देता हूँ मेरा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। इनकी इमेजेस विथ डिटेल्ड एक्शन प्लान आपको मिल जाएगा। तो ग्रुप के अंदर निफ्टी की अब अगर बात करते हैं, तो निफ्टी में बहुत अनयूजुअल चीज हो रही है यार। निफ्टी इज कंपैरेटिवली बियरिश देन बैंक निफ्टी नाउ। अब ऐसा हो गया है, अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये वो दिन है 26 नवंबर जहां से बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेंड चालू हो रहा है। सेम ट्रेंड को बैंक निफ्टी अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन निफ्टी ब्रेक कर चुका है एक बार। ये ब्रेक करके अभी ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर तो निफ्टी इज बियरिश अगेन, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इज बियरिश अगेन। अब मैं आपको लेकर आता हूं वन आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर क्लियरली क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक बड़ा सा यहां पर पोल बनाया हुआ है और उसका एक फ्लैग बन रहा है, राइट, उसका एक फ्लैग बन रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब हम आकर देखते हैं तो हमने देखा यार, बजट के अगले दिन निफ्टी ऑल्सो वेंट हाई, निफ्टी भी अच्छे से रैली किया ऊपर की तरफ, लेकिन अगेन यहां पर भी ऊपर की तरफ से बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस आ रही थी। एंड यू मस्ट बी एबल टू सी व्हाट इज द रीजन, यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था डाउन ट्रेंड का, जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और पलट गया। हाउएवर इस सबको छोड़ते हैं, अब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है प्रॉपरली, जहां पर ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके ब्रेक पर हमने शॉर्ट करा। ग्रुप पर मैंने बाय द वे ये बात बताई थी, ये टारगेट हम लोगों ने बुक करा, ये ब्रेकडाउन आया यहां तक का टारगेट। तो मार्केट बहुत अच्छे से लेवल्स के और रेंजेस के बीच में ट्रैवल कर रहा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसने अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया बाय फॉर्मिंग लोअर हाईज अगेन एंड अगेन। लोअर हाईज भी बना रहा है, इसको भी ब्रेक कर चुका है। तो एनी ब्रेकडाउन बिलो द लेवल ऑफ 17465 ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, even if you get on 5 minute time frame, a good closing, OI एक बार चेक कर लेना, अच्छी अगर OI बिल्डअप है, ये 70 points का स्ट्रेट टारगेट आप लोगों को मिलेगा till 17,400. 17,400 is a very important support level. यहां पर हो सकता है मार्केट हॉल्ट करे, हो सकता है यहां से आपको एक पुल बैक आता हुआ दिखे, फिर ब्रेकडाउन करके मार्केट ये एंड देन ये जो बड़ा गैप अभी हमको दिख रहा है आता हुआ आपको दिख जाए। बुलिश डायरेक्शन में हाउएवर आई फील निफ्टी इज गोइंग टू गो बुलिश ओनली एंड ओनली अबव 17,600. तो 17,600 के ऊपर मार्केट आता है तो ये और ये लेवल्स के आप टारगेट्स के साथ में निफ्टी के अंदर भी काम कर सकते हो। बाय द वे माय पर्सनल व्यू राइट नाउ अबाउट द मार्केट इज ओवरऑल बियरिश। व्हाई? आई हैव टोल्ड यू द रीजन, बजट कुछ खास नहीं आया है। बजट इज ओवरऑल इट इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बजट नहीं है। एंड सारे सेक्टर्स भी इस बजट से ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर में अच्छा आएगा, थोड़ा बहुत हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अच्छा है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिकली अच्छा काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, पीएसयू बैंक्स के लिए अच्छा है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर बेटर है, बट सारी चीजें अच्छी नहीं है या ना सारी चीजें बुरी है। तो एक मीडियोकर सा बजट है, मार्केट उस पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकता। टेक्निकली इफ आई टेल यू माय फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू इज बियरिश राइट नाउ। कमिंग टू स्टॉक्स गाइस, पहला स्टॉक जो मेरे पास आप लोगों के लिए है, जुबिलेंट फूड्स। यार इसका रिजल्ट आया था
और इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड से 40-50 करोड़ या समथिंग लाइक दैट कम आया। तो ऐसी न्यूज को जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुरा मानते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से जितना भी कम आया है वो उनके लिए लॉस है। लेट से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400 करोड़ का प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट होता है 360 करोड़ का, तो वो जो 40 करोड़ कम आया है प्रॉफिट वो उन लोगों के लिए लॉस है। सो विद दैट माइंडसेट ये जुबिलेंट फूड्स नेगेटिव हो गया है अभी। अब यहाँ पे ना एक इनसाइड कैंडल बन गई, अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लाकर दिखाता हूँ, आप खुद आप भी समझ जा रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा ये हाई से लेकर ये लो, बट फिर भी मैंने रेंज यहां तक बनाई है। उसका रीजन है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, देर इज अ रीजन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम दैट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ के ब्रेकडाउन के नीचे मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर आता है, बिलो 3150 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो यहां से आपका टारगेट बन रहेगा 3127, ऑलमोस्ट 0.5 से पॉइंट पॉइंट थ्री से 0.5%, एंड दी सेकेंड टारगेट वुड बी 3090, जो एक बड़ा 2.5% के आसपास का टारगेट आपका रहेगा, 2% के आसपास का टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट के साथ में आप लोग जुबिलेंट में बियरिश साइड का ट्रेड ले सकते हो। अपसाइड की अगर मैं बात करता हूँ शेयर के अंदर, ऑफकोर्स रेंज के ब्रेक पर बाय करोगे, टारगेट विल बी दिस एंड देन इवेंचुअली दिस, ये दो टारगेट के साथ में विथ ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट ऑफ 1% आप लोग काम कर सकते हो इन जुबिलेंट फूड्स। ये मेरे लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। दिस स्टॉक माइट गिव अ बिग रैली, इसके लिए रीजन मैं आपको बताता हूं। तो इसका मेजर रीजन है इसके पीछे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। एशियन पेंट्स कंपनी है पेंट की, पेंट पेंट का एक बहुत एसेंशियल, कैसे बताऊं मैं आपको, एक बहुत एसेंशियल रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। तो मार्केट में क्रूड ऑयल की रेटें बढ़ रही हैं, दिस शेयर प्राइस कैन बी अफेक्टेड। अब यहां से अगर मैं आपको बताता हूं तो दिस स्टॉक इज नियर अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। यहां से इस शेयर के अंदर अगर आपको एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है अबव दिस लेवल, अबव ऑलमोस्ट कितना लेवल है ये, ऑलमोस्ट 3251, तो आप लोगों का एक लॉन्ग साइड का बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। टारगेट आप लगाओगे 3265 का, तो टोटल आप लोग ऑलमोस्ट 0.5% का टारगेट वन रखोगे। टारगेट टू आपका रहेगा 3285 का, जिसको मिलाकर आपका फाइनल टारगेट अपसाइड में 1% होगा। हाउएवर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, यानी कि आप 1 से 2 दिन का भी ट्रेड लेना जानते हो, ले सकते हो, कैपेसिटी रखते हो आप अगर, तो यहां से अगर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इस लेवल से आपको अगर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आप 2 से 3 दिन का एक बड़ा ट्रेड ले सकते हो 2300 3300 तक के टारगेट्स का। आई एम सो सॉरी, 3300 जो है इसका फाइनल टारगेट रहेगा, 1 से 2 दिन का ये ट्रेड आपका बन सकता है। तो फाइनल टारगेट की जो मैं बात कर रहा हूं वो है यहां से ऑलमोस्ट 1.5% का टारगेट। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं, तो पोजिशनल अगर आप ट्रेड करते हो इसके अंदर, तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऑलमोस्ट ये लेवल्स का 3200 के आसपास का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हो, एंड आपका टारगेट रहेगा 3300 का। 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप लोग काम कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी माय एडवाइस टू यू फॉर एशियन पेंट्स। भारती एयरटेल के अंदर भी काफी अच्छा सेटअप मैं बोलूंगा बन रहा है। इस शेयर की एक बात मैंने नोटिस करी है, ये जब भी साइडवेज जाता है ना, तो ये अनएक्सपेक्टेड टाइम पर मोमेंटम दे देता है आपको। मतलब जब आपको ये लग रहा है कि यार अब ये शेयर काम नहीं करेगा, तभी ये शेयर जो है काम करता है। ये मैंने नोटिस करा है, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मेरे को आज लग रहा था ये शेयर काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको जरूर इंक्लूड करा है, क्योंकि हो सकता है ये शेयर बड़ा मोमेंटम दे दे। अगेन इसकी भी एक बहुत टाइट यहां पर रेंज बन गई है, 725 से लेकर के 717 के आसपास का जो लेवल है, ये इसकी एक रेंज बन गई है 8 पॉइंट की। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, उस डायरेक्शन में आप लोग अपना ट्रेड बना सकते हो, एंड 0.5 से 0.6% का आपका टारगेट बन रहेगा। बस हमेशा याद रखना है, स्टॉक बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देता हर दिन। उसके बाद में आपका टारगेट फिर भी आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, एंड ये ट्रेलिंग टारगेट्स आप लोग लगा सकते हो इस शेयर के अंदर डाउन साइड, इस लेवल के नीचे बंद होता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये 725 तो मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, 724.2 इसके ऊपर एक क्लोज करता है, तो यहां से क्लियर कट आप एक टारगेट लोगे 3 पॉइंट का, जो ऑलमोस्ट 0.5% फिर से हो ही जाएगा। तो ये आपका टारगेट वन होगा, एंड देन ये आपका टारगेट टू होगा, जो और 2 पॉइंट ऑलमोस्ट 0.72 0.8% का प्रॉफिट यहाँ पे
निकाल पाओगे। फाइनल टारगेट जो है अपसाइड में आपका रहेगा ये लेवल का, विच इज समवेयर अराउंड 734। तो मोर देन 1% का यहाँ पर अपसाइड में टारगेट है, मोर देन 1% का यहाँ पे डाउन साइड में पोटेंशियल ये शेयर रखता है। टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप गाइज यूज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड आप लोग जब भी चाहें आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें एंड लर्न मोर स्टफ इन दैट ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल अगर वीडियो आपको पसंद आया, हिट द लाइक बटन। दिस इज दिव्य पराशर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।